नंबर एक, भारत के 6 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स। नंबर 1, MiG-21। इसका पूरा नाम मिकोयान G-21 है और इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसकी टॉप स्पीड करीब 2.25 मैक है। नंबर 2, जगुआर। इसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने बनाया है, जिसकी टॉप स्पीड करीब 1350 किलोमीटर पर आवर की है। नंबर 3, मिराज 2000। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस ने ही बनाया है। इसकी टॉप स्पीड करीब 2336 किलोमीटर पर आवर की है। नंबर 4, HAL तेजस। ये भी मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया है। इसकी स्पीड करीब 1.6 मैक है और ये 16,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। नंबर 5, सुखोई SU-30। इसे रशिया ने बनाया है, जिसकी स्पीड 2 मैक है और ये करीब 17,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके सुखोई SU-27, SU-33, SU-34 और SU-35 जैसे वेरिएंट्स भी मौजूद है। नंबर 6, रफाल। इसे तो आप जानते ही हो, इसे फ्रांस ने बनाया है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है और ये करीब 15,835 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसे सबसे खतरनाक जेट भी माना जाता है। नंबर 2, अभी स्पेस एजेंसी नासा बोस्टन स्थित RR ऑक्सन से मरे हुए 3 तिलचट्टे यानी कि 3 कॉकरोचेस वापस मांग रही है। दरअसल इन तीनों मरे हुए तिलचट्टों की RR ऑक्सन वाले नीलामी करने जा रहे थे और सबसे खास बात, इन तीनों तिलचट्टों की कीमत करीब 3,13,00,000 रुपए है। अब ऐसा क्या है उन तिलचट्टों में जिसकी कीमत $4,00,000 है और क्यों नासा इसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? तो दोस्तों, साल 1969 में एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था अपोलो 11। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चांद से 21.3 किलोग्राम धूल मिट्टी लाए थे। उसके बाद इस मिट्टी को तिलचट्टों, मछली और कुछ कीड़ों को खिलाया गया क्योंकि वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि चांद की मिट्टी का यहाँ के जीवों पर क्या असर होता है। लेकिन खुशकिस्मती से इनका कोई असर नहीं हुआ और सामान्यतः इन तिलचट्टों की मौत हो गई। लेकिन उनके पेट में रह गई थी चांद की मिट्टी जिसे RR ऑक्सन वाले नीलाम करने जा रहे थे, लेकिन नासा ने नीलामी की लिस्ट से इन तिलचट्टों का नाम हटवा दिया।